एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक असमोली में स्थित पेली गांव पहुंचा। लगभग 3000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर तो वही ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 10 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान गायत्री देवी द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए जा रहे हैं। लगभग 1365 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में लगभग 450 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 78 बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 48 हैंडपंप लगवाए गए हैं। साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 210 विद्युत पोल, 5 विद्युत ट्रांसफार्मर व 10 सोलर लाइट भी लगवाई गई हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 600 मीटर सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाली, स्कूल में मरम्मत कार्य, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 150 इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का भी निर्माण कराया गया है। इसी के साथ एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, शमशान घाट, कब्रिस्तान की बाउंड्री, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। पंचायत पेली और प्रधान पुत्र अमृत त्यागी बोल रहा हूँ। और मेरे जितने भी निधि के खाते में पैसा आया आज तक, उसमें मैंने सीसी टेल का काम करवाया है और सौर ऊर्जा का काम करवाया है और स्कूलों में भी शौचालयों का निर्माण करवाया है। और हमारे यहाँ शमशान घाट भी नहीं है, शमशान घाट का भी नहीं है। और वो मरगढ़ जो बोलते हैं हमारे यहाँ, वो भी नहीं है, ना ही आंगनवाड़ी केंद्र है, ना ही स्वास्थ्य केंद्र है। और राज्य सरकार से मैं ये विनती करता हूँ कि जितने से भी ज़्यादा ज़्यादा है उतन हो हमारी ग्राम पंचायत को आवंटन करने की कृपा करें। और 149 शौचालय मैंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनवाई हैं। और जितना भी हमारी ग्राम पंचायत में पैसा आया सब मैंने ग्राम पंचायत में लगवाया है। मेरा नाम नूर हसन है, मैं ग्राम पंचायत पेली का रहने वाला हूँ। और ये रास्ता आप देख रहे हैं, इसमें इतना गंदा रास्ता था कि यहाँ को निकला नहीं जाता था। आज ये हमारे प्रधान जी ने इतना बढ़िया रास्ता करवाया है कि देखो ये सही है इस टाइम।